हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीरोगा के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे। तो बात करते हैं, 19 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है इंटरनेशनल लीग T20 का दूसरा सीजन चल रहा है, जिसमें 6 टीम्स आपस में खेल रही है। तो बात करते हैं टूर्नामेंट के 10वें मैच की, जो कि खेला जाएगा डिजर्ट वाइपर्स और अबू धाबी नाइट राइडर्स के बीच में। यह मैच 27 जनवरी को शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं अगर वेदर रिपोर्ट की बात करें तो मैच के दिन मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 66% रहेगा और टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब अगर बात करते हैं इनके विनिंग परसेंटेज देखते हैं, जहाँ पे बैटिंग फर्स्ट का यहाँ पे 50% जीतने का चांस है, तो वहीं बॉलिंग फर्स्ट का भी यहाँ पे 50% जीतने का चांस है। अब अगर बात करते हैं एवरेज स्कोर देखते हैं, जहाँ पे फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 137 है, तो वहीं सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर 128 है। बात करते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करते हैं, जहाँ पे डिजर्ट वाइपर्स 2 मैच जीत के आ रही है, तो वहीं अबू धाबी नाइट राइडर्स 1 मैच जीत के आ रही है। तो दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सेशन की जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, टेलीग्राम लिंक भी दिया हुआ है, आप हमें व्हाट्सअप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। अब अगर बात करते हैं पहले टीम डिजर्ट वाइपर्स का स्क्वाड एनालिसिस करते हैं, जहां पे टीम को पहले मैच में हार मिली थी, लेकिन अगले मैच में टीम ने जीत कर टीम में टेबल नंबर 4 पे स्टेबल है। टीम के कैप्टन जहाँ पे कॉलिन मुनरो हैं। ओपनिंग में बात करें तो एलेक्स हेल्स हैं, कॉलिन मुनरो जो टीम को स्टार्ट देंगे। मिडिल ऑर्डर की बात करें तो मिडिल ऑर्डर में एडम होज हैं एंड डैनियल लॉरेंस जो टीम को स्टेबल करेंगे। वहीं पर वनिधु हसरंगा जो टीम के एक्सपेक्टर है, जो इस वक्त अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, और विकेट कीपर भी आजम खान है। और राउंडर जहाँ पे सरफन रदरफोर्ड एंड बास दली जो टीम को एक्स्ट्रा एज देते हैं। वहीं बॉलिंग में बात करें तो पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर जो टीम को लीड करेंगे, शाहीन अफरीदी भी टीम में जुड़ सकते हैं, लास्ट गेम में उन्होंने 3 विकेट निकाले थे। वहीं पर टाइम एमिल्स एंड कोटरेल टीम को ब्रेक थ्रू के लिए दिला सकते हैं। स्पिन में है शादाब खान जो लास्ट गेम में काफी महंगे थे। अब बात करते हैं इनके प्लेइंग 11 देखते हैं, जहां पे एलेक्स हेल्स है, कॉलिन मुनरो, एडम होज, मुस्तफ़ा आजम खान है, शादाब खान है, शाहीन अफरीदी है, सरफेन रदरफोर्ड है, वनिधु हसरंगा है, मोहम्मद आमिर, टाइम एमिल्स। अब इनके कुछ की प्लेयर की बात करते हैं, जहाँ पे वनिधु हसरंगा है, कॉलिन मुनरो, एडम होज है। अब आगे बात करते हैं, चलते हैं दूसरी टीम अबू धाबी नाइट राइडर्स का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे टीम ने अपने पहले मैच में डिजर्ट वाइपर्स को ही हराया था, लेकिन अगले सेकेंड मैच में वो टीम से हार गई। टीम टेबल नंबर 6 पे स्टेबल है। टीम की बैटिंग बहुत स्ट्रांग दिख रही है। ओपनिंग में बात करें तो अलीशन सरफू एंड एंड्री गॉस है। नंबर 3 पे मिचेल पीपर है। टीम का मिडिल ऑर्डर अनएक्सपीरियंस है, जिसमें सैम हैन है, लॉरी इवेंस है, दोनों ने लास्ट मैच में अच्छी पार्टनरशिप की थी, और सैम ने 77 और लॉरेंस ने 67 रन बनाए थे। टीम के कैप्टन जहाँ पे सुनील नारायण है, और राउंडर अंडरस जो टीम के एक्सपेक्टर है, कभी भी गेम को पलट सकते हैं। वही डेविड विलियम, अहमद वसीम जो टीम को विकेट दिला सकते हैं, जॉर्ज लिटिल जो पेस अटैक को लीड करेंगे। अब बात करते हैं इनके प्लेइंग 11 देखते हैं, जहाँ पे मिचेल पीपर है, लॉरी इवेंस है, एंड्री गॉस है, अलीशन सराफू है, रसल है, इमाद वसीम, डेविड विलियम, सुनील नारायण, जॉर्ज लिटिल, अली खान और मतुल्ला खान है। अब इनके कुछ की प्लेयर देखते हैं, जहाँ पे एंड्री रसल है, सुनील नारायण है और डेविड विलियम है। अब बात करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते चलते विनर के अकॉर्डिंग, हमने हर एक चीज़ पर डिस्कशन कर ली, तो हमारे अकॉर्डिंग आज का मैच विनर होगा डिजर्ट वाइपर्स, क्योंकि यहाँ पे अबू धाबी को अगेन हार मिल सकती है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो करें हमारे चैनल के साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।